सूर्यलाल पटेल की जयंती पर अब पटेल परिवार में लगातार अब जो विवाद है वो और बढ़ते जा रहा है। दरअसल आज जयंती के मौके पर पल्लवी पटेल जी की तरफ से कई सारे स्पॉट जो थे वो बुक किए गए थे, लेकिन उनकी जितने भी स्पॉट्स थे उन सारे स्पॉट्स को कैंसिल कर दिया गया और वो अपना कार्यक्रम नहीं कर पाई, काफ़ी नाराज़ हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी जी, क्या कारण रहा कि आप लोगों ने कई सारे जो हॉल्स थे, कई सारे जो स्पॉट्स थे वो बुक किए थे ताकि आप अपना कार्यक्रम कर सके, लेकिन किनका ये हाथ था ताकि आपके जो स्पॉट्स हैं उन्हें कैंसिल करवा दिया जाए, किसका दबाव था, क्या निकल कर सामने आया? देखिए, मुझे यही तो पता नहीं चल पाया है अब तक कि मेरे एक जयंती समारोह के छोटे से संगोष्ठी कार्यक्रम के लिए जो शांतिपूर्ण तरीके से होना था उसके लिए रविंद्रालय, विश्वरेया प्रेक्षागार, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का मरकरी हॉल, लगातार ये तीनों जो हमारे वेन्यू हैं इनको कैंसिल क्यों किया गया, मुझे अभी तक आधार समझ में नहीं आया। मैं उसी को खोजने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने कल SI से लेकर कमिश्नर ऑफ पुलिस तक बात की तो मुझे आधार तो पता नहीं चला, लेकिन दो टूक जवाब मिलता है कि ऊपर से प्रेशर है। तो ऊपर से किसका प्रेशर है? क्योंकि ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीनस्थ है, तो या तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, अगर उनका आदेश है तो उनसे मेरा सवाल है, मेरा अपराध बताइए। मेरा अपराध ये तो नहीं हो सकता कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हराया तो उसका मुझे नतीजा ये मिले कि मैं अपने कार्यक्रम नहीं कर सकती, अपने पुरोधा को याद नहीं कर सकती। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं है तो फिर उनके विभाग में कौन है जो उनकी जानकारी के बगैर ऐसा मंत्री उपमुख्यमंत्री कौन है जो आदेश पारित कर रहा है? मैं ये संज्ञान में लाना चाहती हूँ क्योंकि उनकी जनता का एक हिस्सा मैं भी हूँ और जनता ने बड़े विश्वास से न्याय की कुर्सी पर बैठाला है, तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो वो उसका न्याय तो मेरे साथ करना पड़ेगा ना माननीय मुख्यमंत्री जी। तो क्या ऐसा भी है कि ये परिवार की लड़ाई, सत्ता और विपक्ष की लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि आपने सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हराया है, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जी के पति जो हैं वो भी सरकार में मंत्री हैं, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करी, तो क्या इस नज़र से भी देखा जाए या फिर वही वर्चस्व की लड़ाई दोनों बहनों के बीच अभी चल रही है, ऐसा इसे देखा? देखिए, इस मसले को लेकर के निसंदेह में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण लंबे इंतजार के बाद भी मैं उनसे मिल नहीं पाई, लेकिन आप लोग के माध्यम से मेरी जो कंप्लेन थी वो उनके कानों तक पहुंची है और मैं मेरा विश्वास है कि वो इस पे कार्रवाई अवश्य करेंगे। और रही बात जहां तक पक्ष और विपक्ष की बात, तो निसंदेह ये बात तो सत्य, खुद बीजेपी भी कहती है कि उनके शीर्ष नेतृत्व को मैंने हराया, लेकिन ये मेरा अपराध नहीं हो सकता। उनको हराना एकमात्र मैं कारण नहीं हूँ, केशव मौर्य जी अपने भ्रष्ट और अनैतिक नीतियों की वजह से भी हारे हैं और जिस प्रकार की हरकतें वो लगातार कर रहे हैं चुनाव के बाद से, लगातार मेरे काम में, मेरे क्षेत्र में लगातार रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं, ये कार्य भी उनके माध्यम से किया, हो सकता है कि उन्होंने किया हो, और अगर किया है तो इस बार उन्होंने अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए मेरे ही परिवार के लोगों को अखाड़े में खड़ा कर दिया है। तो हर बार ये नहीं चलेगा, आप मेरे परिवार को घेर रहे हैं और आपको ये बताना होगा कि मेरा अपराध क्या है। चुनाव में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है, अगर आपका अनैतिक व्यवहार आपको हराता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं हो सकती और मैं अपराध के लिए भुक्तभोगी नहीं हो सकती। ये लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी, आगे की क्या रणनीति है? यहाँ से अभी आपने बताया कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए भी कूच करेंगी, क्या होगा आगे, अब क्या सोच रखा है दिमाग में? देखिए, लड़ाई तो हम करने आए नहीं थे, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से गोष्ठी मनाने आए थे और मैं यहाँ पर आपके माध्यम से कोई लड़ाई नहीं करना चाहती है, जंग का आगाज नहीं कर रही, मैं सिर्फ आधार जानना चाहती हूँ और जवाब जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ तो मुझे न्याय कैसे और किसके मार्फत मिलेगा। और रही बात ये कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हमारा था चिन्हित था, तो हमारे कार्यकर्ता सब हैं जो घंटों से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरफ कूच जरूर करूँ। ये भी सुनने में आ रहा है कि अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया और ये कहा गया कि रविंद्रालय की जो जगह उन्होंने बुक कराई थी वो आप लोग को दे दी जाए कार्यक्रम के लिए, ये किस लिए किया गया, वो भी आखिरी समय? नहीं, अनुप्रिया जी हो या आशीष जी हो, वो क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? उनके पास कोई अधिकार नहीं कि मुझे रविंद्रालय दे दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान दे दें। जिसके पास अधिकार है, मेरा प्रश्न उससे है, मुझे जवाब उससे चाहिए और मुझे अपने पुरोधा को याद करने के लिए किसी का सहयोग या किसी की भीख नहीं चाहिए मत करने के लिए। तो ये थी पल्लवी पटेल, काफ़ी नाराज़ हैं और अब कह रही हैं कि आगे भी इस तरह से जो हम अपना जो कार्यक्रम करने वाले थे उसको लेकर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए जाएंगे, लेकिन लगातार अभी जो सूर्यलाल पटेल परिवार की लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है और अब ये सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार और विपक्ष की है, क्योंकि पल्लवी पटेल जी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जब से उन्होंने सिराथू जीता है तब से केशव प्रसाद मौर्य का काफ़ी वहाँ पर हस्तक्षेप है और वो नाम खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शोभन के साथ मैं नितिन पाटिल।